हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम फिर आ चुके हैं वीडियो शूट करने। तो गाइस, ये मेरे कज़न ब्रदर की बाइक है जो कि भाई अभी इंस्टा के लिए रील्स शूट कर रहे हैं। मैंने इस बाइक में रील्स वगैरह शूट करी हुई थी, तो काफ़ी बंदे मेरे को पूछ रहे थे भाई इसकी आवाज़ का क्या सीन है, मतलब आवाज़ कैसे इतनी इसकी ज़्यादा। तो गाइस मैं बता दूँ, इसमें ना हमने साइलेंसर चेंज करे हुए हैं, साइलेंसर स्टॉक ही हैं, बस इसका हमने एक सीन करा हुआ है, ये जो इसके अंदर डीबी क्लियर होते हैं ना, ये निकाले हुए हैं, कोई चेंजेस नहीं करे हमने इसमें। 300 cc की ये सिंगल सिलेंडर बाइक है। बाकी ये देखो, यहाँ पे इसका फ्लैप था पीछे नंबर प्लेट का, वो हमने वो रिमूव कर दिया है। इंडिकेटर का भी हमने नेट सिस्टम किया हुआ है, यहाँ से पत्ती डाल के इंडिकेटर लगाए हुए हैं, और नंबर प्लेट तो फिलहाल ऐसे लगाई हुई थी हमने, क्योंकि ऐसे लोग थोड़ी अच्छी लगती है इसकी। तो गाइस, आज हम लोग घर में फ्री थे, तो हमने सुबह क्या करा हुआ है देखो, इसका जो हेडलाइट का कवर है वो रिमूव करा हुआ है, क्योंकि हमने एक दो बार विली मारी हुई थी तो ये टूट गया। हमने इधर MCL वगैरह लगाई आज, ये देखो मीटर का के जुगाड़ करा हुआ है, यहाँ पत्ती डाल के तो ये मीटर फिक्स किया हमने आज, इसका एक कवर फिट करेंगे एक दो दिन में। यार ये देखो यार, ये किसी ने हो गया, हमने टैंकी से पेट्रोल निकाला और इस पर गिरा, और यहाँ पर हमने स्प्रे किया हुआ था, स्प्रे पेंट जो होता है वो पेट्रोल की वजह से निकल जाता है। ये देखो यार कैसी हो गया, स्विच लगाया हुआ है इधर इंडिकेटर फ्लैशर का, और बाकी एक स्विच इधर लगाया हुआ है हेडलाइट का। बाकी मैं तुम्हें इसका मीटर कंसोल बताता हूँ, बाबे टैंकी फुल है ना, फ्यूल टैंक है 21 लीटर का इसका। भाई ये टायर एक बार चेंज करा है ना आज भाई, किया हुआ एक बार। इसमें हमने बड़ा डाला था कि यही साइज, सेम साइज है ना, और अगला तो अभी वीवो ही है, कंपनी वाला है ना, ये भी होने वाले वैसे ख़त्म। एक सीन है इसमें यार, हमने विली वगैरह मारी थी इसमें, तो इसका हैंडल जो है वो ढीला हो गया है। मेरे को तो ये काफ़ी हैवी बाइक लगती है, चलाते वक्त तो नहीं लगता इतना पता, साइज स्टैंड से तो काफ़ी हैवी लगती है, इसका जो कवर होता है उसकी वजह से काफ़ी हैवी लगती है। अभी तो हमने रिमूव कर रखा हुआ है, मैं आप लोगों को अब इसकी साउंड सुनाता हूँ। भाई करना स्टार्ट इसको, गाइज मैंने आप लोगों को इसकी आवाज़ सुना दी। 2018 मॉडल है और इसमें ABS नहीं है, सबसे अच्छी बात है। ABS मेरे को पसंद भी नहीं है वैसे, ABS से ज़्यादा खुद का कंट्रोल अच्छा रहता है। तो इसका भी सीन चला हुआ था, इसका जो रेडिएटर फ़ैन है वो ख़राब हो चुका था, और हमने बहुत किया ट्राई एजेंसी में मंगवाने की, रेडिएटर फ़ैन वगैरह वो ला रहे नहीं थे, फिर हमने खुद पठानकोट से ऑर्डर करा। भाई मेरे हिसाब से कोई एक साल तो खड़ी रही ना भाई घर में, डेढ़ साल तो भाई ये बाइक घर में खड़ी रही। इसको सेल आउट भी कर रहे थे, अंदर बोला मैं करवा दूँगा इसका सामान प्रोवाइड। एक इसका ये CDI काफ़ी टाइम से हमने एजेंसी वालों को दिया हुआ था, इसका कपलर ये है, तो हमने उनको इतने टाइम का दिया, उन्होंने मंगवाया नहीं, पता नहीं अभी जो पुराना था इसका वो भी उन्होंने गुम कर दिया, और हमने ऐसे डायरेक्ट की है लाइट, सो इसका कुछ जुगाड़ किया हुआ है डायरेक्ट, वो पुराना वाला ख़राब हो गया था पानी की वजह से, उन्होंने नया तो दिया नहीं हमें ला के, तो एक डेढ़ साल तो ऐसे खड़ी थी यार, क्या कर सकते हैं। फिर इमरजेंसी वाले को सेल आउट कर रहे थे, पर वो भी नहीं ले रहे थे क्योंकि स्पेयर पार्ट ही नहीं मिल रहा था इसका, तो अब तो हमने ये पूरी रिपेयर कर दी है, अब तो कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। बस इसमें मैंने जो आपको बताया वो CDI डलेगा 7000 रुपये का, बाकी तो कोई सीन नहीं इसमें, आवाज़ वगैरह बहुत अच्छी है। तो गाइस बाकी मैं और मेरा कज़न ब्रदर ही चलाते हैं इसको, बाकी कोई चलाता नहीं घर में क्योंकि काफ़ी हैवी लगती है उन्हें, कई बार घर वालों से गिरी भी है बाइक, तो एक बार मतलब ये टेढ़ी होगी ना तो उठाना बहुत मुश्किल है यार, काफ़ी हैवी बाइक है। सो गाइस मैं भी इसका एक राउंड अप करके आता हूँ। गाइस फाइनली वीडियो वगैरह तो हमने शूट कर ली है, सो मैंने आपको बाइक की आवाज़ भी सुना दी। सो गाइस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अब आपको एक न्यू वीडियो में।